Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Good morning guys, welcome to Wi-Fi Study Changing the Way of Learning. मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे. Now Wi-Fi Study has become the part of an academy. आज तारीख है 7 जून 2019. ठीक है, सुबह के बज चुके हैं 5. ये क्लास जैसा कि आपको मालूम है कि भुवनेश्वर की क्लास है, लेकिन भुवनेश्वर अभी छुट्टी पे गए हैं, तो उस समय तक के लिए वो जिम्मेवारी मुझे देके गए हैं कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूं. मैं अपना पूरा 100% कर रहा हूं कि ये क्लास बेस्ट हो और आपको कोई भी निराशा ना हो. क्लियर. चलिए ये देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है अभी मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था, कल थोड़ा जल्दबाजी में हो गया था कि ये ना आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होना चाहिए था. ये क्वेश्चन ऑफ द डे कल के लिए होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आज इसका आंसर देता हूं और कल के लिए एक नया क्वेश्चन आपको दे दूंगा. आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा. कौन सा करेगा इसमें? चाइना. सही आंसर है. क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना सही आंसर हो जाएगा. इंग्लिश बोलूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 2023 एशियन फुटबॉल कप? चाइना. क्लियर. चलिए ये देखिएगा, इसका आंसर को लिखा है, ठीक है ना, चाइना विल स्टेज द 2023 एशियन का फुटबॉल आफ्टर साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया ड्रॉप्ड देयर बिड्स. ठीक है, चलिए हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, सेम लाइन से पढ़ लीजिएगा. चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है कि निम्नलिखित में कौन सा देश द्वितीय वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. द्वितीय वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन की इंग्लिश क्या है? इंग्लिश हो जाएगी सेकंड ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट. कौन सा करेगा इसमें? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना. क्लियर. चलिए तो इसका देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देखिएगा. इसमें लिखा है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावर चंद गहलोत, जो कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं, है ना, उन्होंने क्या कहा है भाई साहब? उन्होंने कहा है कि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में द्वितीय वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हो चुके हैं. थावर चंद गहलोत साहब वो रवाना हो चुके हैं, वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे. कहां पर? अर्जेंटीना में. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में द जूको घाटी प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बन गया है, यह निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है? द जूको जो आपका वैले है, जो प्लास्टिक फ्री जोन बन गया है, किस स्टेट में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड. क्लियर. कहां पे है वो? नागालैंड में. कौन सा? द जूको वैले बिकम द प्लास्टिक फ्री जोन, इट इज लोकेटेड इन नागालैंड स्टेट. क्लियर. चलिए इसके बारे में दो तीन लाइन पढ़ लेते हैं. देखिएगा लिखा है कि मैं हिंदी पढ़ देता हूं, इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा. एक क्वेश्चन में हिंदी पढ़ लूंगा, एक में इंग्लिश पढ़ दूंगा, तो हमारा समय भी बच जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी. नागालैंड में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राकृतिक द जूको घाटी प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बन गया है. इस प्राकृतिक घाटी को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित करने की बहुप्रतीक्षित पहल दक्षिणी अंगामी युवा संगठन SAYO द्वारा की गई थी. क्लियर. चलिए SAYO का फुल फॉर्म आपके लिखा है, साउदर्न अंगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. ये लिखा है साउदर्न अंगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन निवेश और विकास और रोजगार पर गठित कैबिनेट पैनल का नेतृत्व करेगा. इंग्लिश में है कि हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द कैबिनेट पैनल्स फॉर्म्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड ऑन. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, दूसरे बार प्रधानमंत्री बने. आपको मालूम है वाराणसी सीट से लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं. ठीक है, चलिए इसके बारे में दो तीन लाइन पढ़ लेते हैं. इसमें क्या लिखा है कि एक बार इंग्लिश हिंदी पढ़ ली थी पिछली बार, इस बार इंग्लिश पढ़ लेता हूं कि इन अ बिड टू स्पर इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी सेट अप टू कैबिनेट कमिटीज टू डील विद द टू क्रूशियल इश्यूज. बोथ द पैनल्स रिस्पेक्टिवली ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है. अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि L&T फाइनेंशियल सर्विसेस
हाँ, एनएलटी फाइनेंस सर्विसेज ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में डिजिटल सखी मिशन की शुरुआत की है? एलएनटी फाइनेंशियल सर्विसेज हैज लॉन्च्ड डिजिटल सखी मिशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्लियर है? इसका आंसर क्या है आपका? तमिलनाडु डिजिटल सखी लॉन्च किया गया है। किसने किया है? एलएनटी फाइनेंशियल सर्विस ने। चलिए इसके बारे में एक दो लाइन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि पिछले बार इंग्लिश पढ़ी थी, इस बार हिंदी पढ़ लेता हूं, कि एलएनटी फाइनेंशियल सर्विसेज एलटीएफएस ने डिजिटल सखी को तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में, किसमें? विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, देखिएगा इंग्लिश में भी लिखा है, उसके 20 गांव में, जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ओनली 20 विलेज में स्टार्ट किया गया है। यह ग्रामीण महिलाओं के डिजिटल वित्तीय समावेशन पर जानकारी प्रदान करने उद्देश्य एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। वित्तीय समावेशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है लोगों को बैंक से जोड़ना, सारे अकाउंट ओपन कराना, उनकी जो भी एक्टिविटीज लेन देन की होती है वो बैंक के थ्रू कराना, ताकि उनको बैंक की आदत पड़ सके और जिससे मिडिलमैन कम हो सके, और बहुत चीजें होती हैं। बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने जेसी डेनियल पुरस्कार जीता है? Who among the following won JC Daniel Award? किसने जीता है? जीता है आपके शीला। किसने जीता है? शीला ने। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है कि अनुभवी अभिनेत्री शीला को प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है। डन। यह मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। कौन सी सरकार देती है? केरल सरकार देती है। पुरस्कार में 5,00,000 रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, है ना, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और एक पट्टिका शामिल होती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं साहब। अगला सवाल बोलता है कि हाल ही में प्रकाश पंत साहब का निधन हो गया है, वह उत्तराखंड सरकार में मंत्री के रूप में सेवारत थे। उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है, यूके गवर्नमेंट है, उसमें मिनिस्टर थे। रिसेंटली प्रकाश पंत पास्ड अवे, ही वाज सर्विंग एज द खाली चीफ फिलिंग द ब्लैंक्स मिनिस्टर इन द उत्तराखंड गवर्नमेंट। कौन से मिनिस्टर थे? ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना, प्रकाश आप पंत साहब। क्लियर? चलिए पढ़ लीजिएगा एक दो लाइन इसके बारे में कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत का जो निधन है वो अमेरिका में हुआ था, ठीक है ना, जहां उनके फेफड़े की बीमारी का इलाज चल रहा था। और इस साल फरवरी में प्रकाश पंत राज्य विधानसभा में अपने बजट भाषण को पढ़ते हुए लगभग 2 बार बेहोश हो गए थे। काफी बीमार थे, लाजमी सी बात है, अगर फेफड़े की बीमारी थी तो बहुत डेंजरस बीमारी होती है। इस कारण से प्लीज अपने हेल्थ का ध्यान रखा करिए। हेल्थ सब कुछ है, शरीर है जान है तो जहान है, पैसा नौकरी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन शरीर का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए $287 मिलियन के ऋण समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ में हस्ताक्षर किए हैं? क्लियर? किसके साथ में हस्ताक्षर किए? इन्हें किया आपका वर्ल्ड बैंक के साथ में। किस साथ में? वर्ल्ड बैंक के साथ में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, GOTN बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को, ठीक है ना, एट द एंड द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली साइंड 287 मिलियन लोन अग्रीमेंट फॉर द तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम। याद रखिएगा ये चीज स्पेशल देखने लायक है। जब भी आप डॉलर में चीजें को लिखते हो तो डॉलर को पहले लिखा जाता है। आप लिखते हैं 5 रुपए ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब डॉलर लिखते हैं तो डॉलर को पहले सिंबल लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, भूलिएगा मत, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेगा, निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे अमीर महिला संगीतकार के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें किसको किया गया है? रिहाना को किया गया है। पढ़ लेते हैं, चलिएगा। इसमें लिखा है कि रिहाना हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फीमेल म्यूजिशियन बाय फोर्ब्स मैगजीन। किसने किया है? फोर्ब्स मैगजीन ने। किसको? रिहाना को, वर्ल्ड्स रिचेस्ट फीमेल म्यूजिशियन। द सिंगर्स वर्थ इज एस्टिमेटेड एट 600 मिलियन, बहुत होता है, वो भी डॉलर में होता है, इंक्लूडिंग रिवेन्यूज मेड फ्रॉम हर फैशन एंड ब्यूटी लाइंस इन एडिशन टू डोज फ्रॉम हर म्यूजिक करियर। बहुत पैसा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी हाउस की अध्यक्षता करने वाली पहली दक्षिण एशियाई अमेरिका महिला बनी है? कौन बनी है इसमें से? यह बनी आपकी प्रमिला जयपाल। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखिएगा कि भारतीय अमेरिकी कांग्रेस की पहली महिला प्रमिला जयपाल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करने वाली पहली दक्षिण एशियाई अमेरिका महिला बनी है। दक्षिण एशियाई का मतलब क्या होता है? दक्षिण एशियाई का मतलब हो जाएगा साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ITF पुरुष फ्यूचर्स टेनिस खिताब जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग वन ITF मेंस फ्यूचर टेनिस टाइटल, है ना, आपका बफरिंग तो नहीं हो रहा ना, बफरिंग हो रहा है क्या बच्चा? बता देना अगर बफरिंग हो तो, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ रावत। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ रावत। डन। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि तीसरे वरीय सिद्धार्थ रावत ने जापान के रियो नोगुची को हराकर
25,000 डॉलर ITF पुरुष फ्यूचर स्टडीज टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता है। थर्ड सीड सिद्धार्थ रावत डिफीटेड रियो निगुची ऑफ जापान टू क्लिंच हिज मेडन टाइटल इन द $25,000 ITF मेंस फ्यूचर टेनिस टूर्नामेंट। क्लियर, चलिए कल के लिए सवाल आपके स्क्रीन में है। कल के लिए सवाल आपका यह है, क्वेश्चन ऑफ द डे, अपनी हाल ही के मौद्रिक नीति में RBI रेपो दर को 25 BPS घटाकर फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, कितना कर देगा। इंग्लिश में देखिएगा, लिखा है कि इन इट्स रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी, आपको मालूम है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई पब्लिश करती है, तो इन इट्स रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कट्स रेपो रेट बाय 25 BPS2, कितना कम करने वाला है। क्लियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है चीजें पसंद आई होंगी आपको, और मैं उस लगभग प्रयास कर रहा हूं कि जिस प्रकार से भुवनेश्वर पढ़ाते हैं, लाजमी सी बात है, होता है कि अगर उनकी क्लास रहे हैं तो उनसे मोहब्बत, उनसे प्यार है, नो डाउट होता है, लगातार क्लास चल रही है, तो फिर भी मैं अपन से प्रयास कर रहा हूं कि उनका जो अभी एब्सेंस है, उनके एब्सेंस में जितना वो दे रहे थे उतना देने की कोशिश करूं, ताकि आपका बिल्कुल नुकसान ना हो और वो भी अपनी छुट्टी बेहतरीन तरीके से मना सकें, और जब वो आए तो आप चीजों को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएं। क्लियर, तो अपना ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स जरूर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा और क्लास कैसे लगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर।